देखिए, एक जनप्रतिनिधि को आए दिन अधिकारियों से डील करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं है। हम लोगों को अक्सर अधिकारियों को डांटना पड़ता है, अधिकारियों को कहना पड़ता है कि गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर जनप्रतिनिधि पे दबाव बनाने के लिए बिना एविडेंस के FIRs होंगी तो हम लोग फिर जनता की बात उठा ही नहीं पाएंगे। आज बिजली विभाग वाले कर रहे हैं, कल कोई लेखपाल करेगा, परसों कोई डॉक्टर करेगा। हम लोग का तो काम ही है ना कि ओवरसाइट रखना। अगर सरकार की नीतियों का पालन नहीं हो रहा है तो हमें दबाव बनाना है कि वो होना चाहिए पालन। अगर बिना एविडेंस के इस पर कोई अधिकारी वापस दबाव बनाने लगेगा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मुझे मारा गया है, तो फिर कोई सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। हम कुछ कहने की स्थिति, नेताओं को चूड़ी पहन के बैठना पड़ेगा। और इसको कौन सफ़र करेगा? जनता। हम लोग तो विधायक हैं, हमें तनख्वाह तो मिल ही रही है, हमें तो 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती ही है। अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो सफ़र कौन करेगा? जनता करेगी, हम थोड़ी ना करेंगे। इसलिए हम लोगों का कहना ये था कि बिना एविडेंस के, पहली बार डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारा बस एक सिंपल पॉइंट था DM साहब के पास कि एक तरफ बिना एविडेंस के वो लोग कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं, ये गलत है। और दूसरी तरफ एक वेल एस्टेब्लिश्ड लीगल पोजीशन है कोर्ट्स की कि 3 केसेस में, महिला उत्पीड़न, माइनर का उत्पीड़न और SC का उत्पीड़न, इस 3 केस में अगर आरोपी अपनी बात पे पीछे नहीं जा रहा है तो उसकी स्टेटमेंट को एविडेंस माना जाएगा। तो हमारे इस ग्राउंड पे कार्रवाई हो, हम लीगल पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर उनकी लीगल पोजीशन कहती है कि बिना एविडेंस के कार्रवाई हो तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। और हमारी पोजीशन क्लियर है, माइनर उन्होंने गाली गलौज की है, उन्होंने जाति सूचक शब्द अगर प्रयोग किए हैं तो माइनर, महिला और SC के खिलाफ अगर इस तरह का काम होता है तो जो कंप्लेनेंट है उसकी बात को एविडेंस माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है, तो इसी पे कार्रवाई हो। आज जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या ऊपर CM साहब तक ये बात लेके जाएंगे? जी, CM साहब के पास, विभाग के पास हम लोग इस बातों को ज़रूर उठाएंगे। और ये बड़ महत्वपूर्ण बात है, हम लोग जो मैंने आपसे बताई, आप ही लोग जब निजी कैपेसिटी में जब आते हैं कोई विभाग के कंप्लेन लेके, हम लोग का पूरी दुनिया में, केवल भारत नहीं है ये कि UP कोई यूनिक चीज़ है, ओवरसाइट कहते हैं इसको, सरकारी विभाग सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं ये देखने का काम हम लोग का। हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं, हम लोग बिजली का तार नहीं लगाते हैं, वो इंजीनियर ही करेंगे, लेकिन तार सही जगह लग रहा है कि नहीं, ट्रांसफार्मर सही क्वालिटी का लग रहा है कि नहीं, सही जगह पे लग रहा है कि नहीं, इसको कहते हैं ओवरसाइट की पावर। विधायक जी, आज किस लिए आप लोग आए थे और क्या डिमांड्स करिए और किस लिए ज्ञापन सौंपा गया, उसमें क्या ज्ञापन है? विषय था 8 तारीख की घटना था, मनोज अग्रवाल जो एक CN है टागोर टाउन, उसको मैंने लगभग 7-8 बार फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। उसी संदर्भ में ऑफिस में गया, ऑफिस में जाने के बाद मेज पे इनका मोबाइल पड़ा हुआ था, मैं उनको पहचानता नहीं था। मैंने कहा मनोज अग्रवाल कौन है, तो कहन भाई हूँ मनोज अग्रवाल। उसी संदर्भ में बात किया कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो उनका जवाब था कि नंबर नहीं सेव है, बहुत काम रहता है। मैंने कहा मैं विधान परिषद सदस्य हूँ, तो कहा कि हाँ ठीक है, विधान परिषद सदस्य हैं तो बताइए, काम बताइए। इसी के लेके कुछ बातचीत हुई, उसके बाद ऐसा विषय वहाँ नहीं था, सारा विषय खत्म हो गया था। तो उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कि हमको मारे पीटे, तमाम प्रकार की बातें कहकर थाने में तहरीर दिए थे, आपके तरफ भी मेरे तरफ भी मुकदमा हो गया, उसका विषय पूरा समाप्त। वो भ्रष्टाचार अधिकारी जो मनोज अग्रवाल था, मुझे तो बाद में पता चला, हमारे हर्ष जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं सुनील द्विवेदी जी हैं, आजय दीपक जी हैं, हमारे गुरुप्रसाद जी हैं, तमाम लोग सभी संगठन के पदाधिकारीगण हैं। हम लोगों के यह मकसद नहीं है कि हमारे प्रदेश के जो हमारा सरकार है उनमें कोई भ्रष्टाचार करे, उसके खिलाफ कई जांचें बैठी हुई हैं। तो उसी के संदर्भ में आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग यहाँ मिलने आए थे कि आखिर में जब दोनों तरफ से FIR हो गया तो अभी तक उसको हटाया क्यों नहीं गया। मैं उनको तमाम सबूत तथ्य दिया हूँ जिससे कि वो पहले भी उसके खिलाफ जाँच हो रहा है, 2018 से यहाँ पड़े हुए हैं, ये चल रहा 2022, अभी तक नहीं हटा। तो आश्वासन दिया गया कि ये सस्पेंड भी होंगे, इनके खिलाफ जाँच भी होगा, इसी कारण तक आए थे। और आम जनमानस के भी, बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों के निश्चित तौर पर यह दिमाग में रहता है कि फ़ोन नहीं उठाते, जो कि शासनादेश है कि फ़ोन 24 घंटा उठाना है, 15 दिन में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला अधिकारी के समक्ष या तमाम जो अधिकारीगण हैं कि हमारे जो विधायकगण हैं उनसे निश्चित तौर पर वार्ता भी किया जाए, मीटिंग भी किया जाए। वो आप लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई बिजली विभाग ने? अरे कार्रवाई की मांग वो गुंडाई करते ही हैं, उनका एक काम है कि मैं बिजली काट दूंगा,
इससे लोग भयभीत होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए भी कानून है। ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं ना कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, आम जनमानस के लिए काम है और कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए, हम जैसे नेता जितने यहाँ पे हैं सब लोग लड़ेंगे। इसी तरीके से अगर बात रहेगी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती रहेगी।